अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शहरयार अली नकवी और आप देख रहे हैं घोसा वाइज। आज की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस हैं। बहुत छोटी सी कोशिश करूँगा सबसे ज़्यादा कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, टू द पॉइंट बनाऊँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जो गुलाम हैदर और सीमा का जो मुसलसल चल रहा था मामला कि भाई वो उसके हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर नहीं हुए, तो वो अब डिक्लेयर प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मजीद ये कि जो ये क्या कहते हैं एपी सिंह है, इसकी मैंने वीडियो देखी यार, मुझे समझ में नहीं आता ये बंदा इतना कंफ्यूज क्यों है। मतलब जहां पर मैंने एक चीज नोट की है, अगर थोड़ा साइकोलॉजी को समझते हैं ना, आपको थोड़ा सा पता होगा कि बंदा जब अपनी बात जो है उसके पास मतलब जवाब नहीं होता तो बात को घुमाना शुरू कर देता है या उसको डिले करता है बात को, ठीक है। सीमा आई है जाई है, उसने वो किया ये किया वो किया, उससे देखें सीधी सी बात है, बहुत हम लोग भी सोच रहे थे कि यार ये चीज कोई कहे तो हम बात करें इसके ऊपर। सीमा को अभी तक हिंदी पढ़ना नहीं आती लेकिन बोलना बिल्कुल आती है। सीमा को वो फिर कहता है अपने अल्फाज में कि भाई वो सीमा जो है वो उसने गूगल पे सारी चीजें देखी हुई, कौन कौन से धर्म के अंदर मतलब क्या क्या चीजें कौन कौन सी जगह है वो सारी उसको पता है। अगर गूगल के ऊपर उसने सब कुछ सीख लिया था, हिंदी बोलना सीख ली थी, तो हिंदी लिखना क्यों नहीं सीखी, पढ़ना क्यों नहीं सीखी, अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है। बच्चों के साथ जा रहे हैं पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सचिन साहब बच्चों को लेके गए, तीनों को जाके पिज्जा खिला दिया, बर्गर खिला दिया, तो बर्गर किस चीज़ का होता मुझे नहीं पता। इंडिया के अंदर हो सकता है वेजिटेरियन बर्गर होता हो, उसमें कोई चिकन या किसी भी किस्म का गोश्त गोश्त नहीं होता हो। पिज्जा में भी हो सकता है कोई वेजिटेबल फ्लेवर का निकाल लिया, लेकिन चीज़ तो चीज़ के बगैर तो पिज्जा नहीं है ना, आई थिंक के जहाँ तक मैंने सुना है कि इंडिया में चीज़ भी नहीं खाया जाता। खैर उसूलन देखें, बात यह है एपी सिंह ने घटिया इंसान होने का सबूत दिया फिर से। वो हमेशा जो है पाकिस्तान, मतलब मैंने एक चीज देखी है कि किसी के पास जवाब नहीं होता ना अपनी बात मनवाने का, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के क्राइसिस, पाकिस्तान का जो आईएमएफ से लोन है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसके ऊपर हमला करेंगे, मतलब कोई चीज नहीं है। जहां तक ये क्या कहते हैं जो पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है गुरु नानक का, जहां पर ये सिख यात्री आते थे, मुझे नहीं पता आजकल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसके ऊपर आप लोगों को याद होगा कि कुछ वजूहात हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बैन कर दिया, या फिलहाल वो जो है वो इतना ज्यादा एक्सपोजर उसको नहीं मिलता, ठीक है। बैन प्रॉपर बैन नहीं है, यात्री अभी भी आते हैं उस टाइम पे और यहाँ आके यात्रा करके चले जाते, ठीक है। गड़बड़ कहाँ से हुई है, गड़बड़ हुई है जहां से भी, मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वही चीज मेरे चैनल का जो एक जमीन मैंने बना के रखी, जो बेस मैंने बना के रखी है, वो चीज खराब होगी। वरना बहुत सारी चीजें हैं जो एपी सिंह की इस बात के ऊपर दी जा सकती हैं जवाब के तौर पे और सबूतों के साथ दी जा सकती हैं। तो एपी सिंह जो है वो कोई बात के अंदर वो नहीं है कि यार सीमा को एक्चुअली क्यों इंडिया में रहना चाहिए, एक्चुअली उसको इंडियन नेशनैलिटी क्यों मिलनी चाहिए, उस चीज के ऊपर वो बंदा बात नहीं करता। वो सिर्फ ये कहता है वो हिंदू धर्म अपना लिया, उसने सचिन के प्यार में आई है, मोदी के प्यार में आई है, योगी के प्यार में आई है, सनातन धर्म के प्यार में आई है, उसको इंडियन। मुझे भी देखें एक बात बताएं, अगर पॉलिसीज के ऊपर देखें ना, इंडियन पॉलिसीज मुझे नहीं पसंद है, इंडिया लेकिन मुझे पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं उसके इंडिया के मतलब जो लोकेशंस हैं मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के, वहां का कल्चर है वो देखना चाहता हूँ तो मैं वहां आऊंगा, लेकिन जो इंडियन पॉलिसीज हैं उसकी वजह से जो है मैं, मेरा दिल नहीं चाहता आने का, आप बताएं मैं क्या करूं, ठीक है। मुझे इस चीज के ऊपर अगर जवाब देंगे एपी सिंह साहब, आपको कहते क्या है पाकिस्तान जो है वो अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, पाकिस्तान में लड़कियां जो है वो सेफ नहीं है, खवातीन पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, तो भाई आपको पता होगा कि दुनिया भर में बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, दुनिया में बड़े बड़े इंजीनियर्स जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, सऊदी अरब को बनाने वाले हम, दुबई को बनाने वाले हम, कुवैत कतर को बनाने वाले हम, ठीक है ना। और इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तानी बैठे हुए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी और छोटी छोटी पोस्ट पे भी, सऊदी अरब और दुबई आप लोगों के लिए छोटी छोटी पोस्ट के हवाले से भी बहुत बड़ी मिसाल है, आप वहां पर जाके देख लीजिए। पाकिस्तानी आपको वहां ड्राइवर मिलेगा, पाकिस्तानी आपको वहां प्लम्बर मिलेगा, और क्या कहते हैं वेल्डर, एसी टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, और पता नहीं क्या क्या किस किस लेवल पे पाकिस्तानी बैठे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी का फ्यूचर नहीं है तो फिर ये क्या है। अब आप कहेंगे कि अगर इनका फ्यूचर पाकिस्तान में होता तो ये यहाँ पर होते, तो सभी पूरा पाकिस्तान उठ के नहीं गया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर यही जो काम कर रहे हैं इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े जो है वो क्या कहते हैं आपका फार्मासिस्ट है,
बहुत बड़े जो है वो गारमेंट्स के जो टाइकून्स जिन्हें कहते हैं वो है, जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जो है वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को इतना हल्का नहीं लें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर मैच हार जाती है उसके पीछे भी क्या वजूहात हैं वो सबको पता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ पे जो है वो बात नहीं करें, क्योंकि इसका जवाब जो है वो आपको कोई ना कोई यूट्यूबर उठ के दे देगा। पाकिस्तान किसी चीज़ पे कॉपरेट नहीं करता है। अच्छा, पाकिस्तान ने कॉपरेट नहीं किया भाई, पाकिस्तान के अंदर जो है टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किया गया था, जबकि इंटरनेशनल मीडिया को पूरी वो जगह विजिट कराई जाती है। ठीक है, ये मैं नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, तंज करने के लिए नहीं। पूरी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया आता है, इंटरनेशनल मीडिया आके वहां पर विजिट करता है, वो यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और उसपे क्या कहते हैं, आई थिंक टिकटॉक का कंफर्म नहीं है, लेकिन टिकटॉक पे भी वो लाजमी वो चीजें मौजूद होंगी, वीडियोस जो इंटरनेशनल मीडिया ने शाया की, वहां पर विजिट किया है कि कौन इन्वॉल्व था। ठीक है, तो मेरे ख्याल में एपी सिंह साहब, आप आवाम को बेवकूफ नहीं बनाएं, आप सीधे सीमा के ऊपर काम कीजिए कि सीमा को क्यों रुकना चाहिए इंडिया के अंदर, वो चीज आप बताइए, एक्चुअल कोई वजह बताएं। ये चीज मजहब का कार्ड नहीं खेलें कि वो हिंदू हो गई है इसलिए उसको इंडिया में टिकना चाहिए, उसको जो है वो क्या कहते हैं वो मोदी साहब से प्यार है तो इसलिए टिकना चाहिए, सचिन से प्यार इसलिए टिकना चाहिए। एक्चुअली उसका टिकने की कोई वैलिड वजह बताओ, ताकि उसमें पता चले कि हाँ यार ये बंदी जो है टिकने के काबिल है। ठीक है ना, कोई मतलब उस पर पाकिस्तान में जुल्म हो रहा था, यहाँ पर उसकी जान को खतरा था, वो चीज़ आप साबित करके दिखाइए। गुलाम हैदर उसको मारता था, वो चीज़ साबित करके दिखाइए। गुलाम हैदर से उसने डिवोर्स लिया, वो चीज़ साबित करके दिखाइए। कोई चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है इंडिया के अंदर। जैसे हमारे भाई वगैरह बोल रहे होते हैं कि ये केस जो है वो बहुत लंबा चलेगा, 6 साल किसी ने कहा, 10 साल लगेंगे, जो कुछ भी है 10 साल तक हुआ, अगर जिंदगी रही 10 साल तक ये केस लड़ूंगा मैं यहां पर बैठ के। ठीक है, हम इसके जो है गुलाम हैदर के हक में बात करते रहेंगे, लेकिन इस चीज को काइंडली, जो एक होता है ना कि आप बार बार जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मजहब को, पाकिस्तान के कल्चर को हिट करते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, हम तुम्हारे पास रोने के लिए कोई भी नहीं आता कि एपी सिंह हमारे घर में आटा नहीं है तुम दे दो, या एमन रिजवी हमारे घर में आटा नहीं है चावल नहीं है तुम दे दो, या वो नंदा भाई को बोल रहे हैं जाके, या किसी और को बोल रहे हैं। मतलब मैं एक ऐसी फर्जी नाम ले रहा हूं, ठीक है ना, कि कहीं आप माइंड ना कर जाओ कि मेरे को टारगेट बना के रखा हुआ है। अब जितने भी लोग हैं केस के ऊपर बात करें, मेरे मुंह से कभी आप नहीं सुनेंगे कि यार इंडिया के अंदर जो है वो मणिपुर वाला वाक्य हुआ उस पर मेरे मुंह से बात नहीं सुनेंगे। ठीक है ना, इंडिया में जो वो और भी बहुत सारे काम हुए जिनके ऊपर की जा सकती है बात, लेकिन मेरा तुक ही नहीं बनता, मैं क्यों बात करूं भाई। ठीक है ना, मेरे केस से मतलब है। ठीक है, आप एक वकील हो और वकील का काम होता है वकालत करना अपने क्लाइंट की। ठीक है, आप इसको कहीं से भी साबित नहीं कर सकते कि सीमा जो कह रही है वो बात सच्ची है। अब हमें क्या पता कि आप जो है वो ये सारी चीजें आपने ही पढ़ाई हैं, सीमा वहां से किस तरीके से भाग के गई, वो सारी चीजें कोई प्रूफ नहीं है सीमा का। अगर मोबाइल बरामद हो गया था जो उसने तोड़ के फेंक दिया था, और उसके अंदर से सारा डाटा निकल आया था जिसमें वो लौकी फुप्पी ये सब चीजें की जा रही थी, तो वो डिकोड की गई है, तो वो कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, आज तक क्यों नहीं पता चली है। आप मीडिया पे लेकर आओ, या रोशन साहब जो है वो केस लड़ रहे हैं आप उनको दे दो कम से कम, या पाकिस्तान हाई कमीशन भेजो आप। ठीक है, अब जैसे हमारे दोस्त अभी तक समझते हैं कि जैसे कल और परसों की जो प्रोसीडिंग हुई है उसके हवाले से, कि अगर अगर इंडिया इंडिया ने वहां से जो है वो रابطہ किया पाकिस्तान से कि ये आपकी जो है वो शहरी है सीमा, लेकिन यहाँ से कोई भी चीज गई नहीं, ठीक है, उसमें कितनी सच्चाई है ना, हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है कि जिसपे हम कहें कि यार इंडिया ने वाकई में कोई लेटर लिखा है, एपी सिंह ने बोल दिया, उस चीज के ऊपर मैं यकीन नहीं करूंगा। ठीक है, या कोई भी करता है ना कि एपी सिंह ने या किसी एक्स वाई जेड ने ऐसे ही बोल दिया है, जब तक आपके सामने कागजात नहीं होंगे। देखें वो क्या कहते हैं, रोशन साहब ने जब वो कागजात अपने वीडियो के सामने इस साइड पे वो पूरा लगा होता है, साइड पे या आई थिंक इस साइड पे लगा हुआ था, ठीक है, कि भाई ये हमने दायर कर दिया है, सही, उसका रिजल्ट आ जाता है, वो चीज प्रूफ के तौर पर आ गई। ओके, एपी सिंह के पास ऐसा क्या प्रूफ है कि जिससे हम यकीन करें कि हाँ यार पाकिस्तान ने जो है वो कॉपरेट नहीं किया। फिर हम अपनी जो है वो इदारों के हम लोग बात करेंगे उनसे, बोलेंगे भाई ये सर क्या है, ये कितना बड़ा केस है, एक बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, एक आदमी की जिंदगी का सवाल है, खानदान पूरा बर्बाद हो रहा है, इसकी वजह से मुल्क के ऊपर आवाज उठ रही है, उंगलियां उठ रही, तो प्लीज आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते, फिर हम बात करेंगे ये चीज़ें। ठीक है ना,
कोई प्रूफ अभी तक एबी सिंह ने नहीं दिया, कोई उसने किसी भी इंटरव्यू में आप देख ले उसने कोई तुक्की बात नहीं की है। वो गंगा जाना चाहती है, वो गंगा जल मंगवाया उसने, वो बच्चों को भेज दिया, सास ससुर को भेज दिया, क्यों भेजा भाई? उससे पहले क्या ये लोग जाते नहीं थे? क्या घर में बैठे रहते थे? क्या मजहबी लोग नहीं थे ये? ये ऐसी सारी जिंदगी गुजर रही थी, सुबह उठे खाया, दोपहर को खाया, रात को खाया, सो गए। इसके अलावा कोई काम नहीं था इन लोगों को। क्या कभी इन्होंने पूजा पाठ नहीं की? क्या कभी इन्होंने जो है वो आप कहते हैं कि ये कभी गंगा पे गए नहीं नहाने के लिए, कभी ये यात्रा वगैरह पे नहीं गए? तो ये सब चीज़ें बताओ ना, मतलब ये चीज़ क्यों? सीमा के आने से ही ये चेंज हुआ है कि वहाँ इंडिया के अंदर वो जो नोएडा का गाँव है जहाँ पर ये रह रही है, या इंडिया के और अंदर और भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यार इसके आने की वजह से जो है हमारे बच्चे हैं जो पूजा पाठ में लग गई हैं, इसके आने की वजह से जो है हमारे जो है वो पता चल गया कि पत्थर ईंटों के ऊपर जो है वो लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है, इसके आने से पता चल गया कि वो जो करवा चौथ होता है वो कैसे मनाया जाता है, ठीक है ना? मतलब इससे पहले इंडिया में ये इसका मतलब या तो ये था ही नहीं, ठीक है, इंडिया के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी, इंडिया के लोगों के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि सीमा के आने के बाद से सारा चेंजेस आया। उससे पहले तो हमने ना कभी फिल्मों में देखा, ना कभी ड्रामों में देखा। मतलब अजीब सा किस्म का केस को जो है ना वो केस लड़ नहीं रहे बल्कि केस उलझा रहे हैं साहब। बाकी बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह कि केस कब तक चलता है, क्या होता है। आप भी यही हैं, हम भी यहीं पर हैं, देखते हैं। और हाँ, आज जो है वो एक ऐलान और हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त ऐलान है कि केस हल हो जाए या नहीं हो जाए, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, चाहे कितने भी साल हो जाए, 90 साल का भी हो जाए। सीमा और एबीसी, ये किसने कहा है? ये आपके और अपने, हमारे सबके, पाकिस्तान की आवाज़, कैसा लिमिट ने, ठीक है, क्योंकि वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इससे बढ़ के और क्या आग लगाने वाली बात होगी कि यार वो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है। और सब देखो, इंशाल्लाह एक दिन हम लोग भी खड़े होंगे, सारे मिलके वहाँ पर गेट टुगेदर करेंगे, बच्चे भी साथ होंगे और सीमा भी साथ में होगी, और घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, और सीमा के सारे झूठ जो है वो सब खुल के सामने आते चले जा रहे हैं, एबी सिंह के सारे झूठ जो है वो खुल के सामने आते जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कान पे जूं नहीं रेंग रही। हाँ, मैंने देखा है कि गंजों के सर में जूं नहीं होती, ठीक है, देखते हैं। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके एबी सिंह का सर मारेगा बैल आइकॉन पे और ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। सीमा को उठा के फेंकें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।